ओह गॉड स्टैनली यू फिनिश्ड इट ऑलमोस्ट आंटी आपके जाने के पहले खत्म हो गई ये ever since 28th of December we have a guest in our house and you know ever since then she's not allowed me to step into my kitchen and she has completely taken over it. She is my best friend's mom and also a second mom to me. So come on, let's go check out what's happening in my kitchen. Yes, let's go. Yeah, okay, but पनीर बना रही हूँ आज. वाओ, आंटी मेक्स अमेजिंग फूड एंड मोस्ट ऑफ माय इंडियन रेसिपीज वेज रेसिपीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हर. सो यस, आई एम गोइंग टू लर्न पालक पनीर फ्रॉम हर टुडे एंड लेट्स सी हाउ शी डज इट. गैस का आपको बैठ गया? ओके, मुझे लगा आप स्ट्रगल कर रहे थे गैस के साथ. शी इज टेकन ओवर माय किचन फॉर द लास्ट वन वीक एंड शी इज नॉट अलाउड मी टू स्टेप इन द किचन. ये क्या कर रहा है? घी डाल रही हूँ. घी पालक पनीर, ये पालक साग, ये सब घी में अच्छा लगता है. अच्छा, ओके. तो आंटी क्या तैयारी करके रखी आपने? मैंने पालक को लिया, धो के साफ कर लिया. ओके. उसको ब्लांच किया, ब्लांच करके उसको ठंडे पानी से थोड़ा धो लिया. ओके. उसके बाद उसको क्रश किया ग्रीन मिर्ची के साथ. ओके ओके. सो फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट इज ब्लांच, आंटी जिनको पता नहीं है ब्लांच क्या होता है उनको कैसे? वो आप पानी गर्म करेंगे और वो पालक में ऑलरेडी उसका पानी धोया हुआ रहता है ना. ओके. कम पानी डाल के उसको ब्लांच, मतलब उसको गर्म पानी में डाल के थोड़ा पकने तक उसको बाहर निकाल लेना. और वो ग्रीन कलर ही रहता है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना. अच्छा. और वो ग्रीन भी रहता है, ग्रीन मतलब आपको उसका कलर मिलेगा जो उसका ग्रीन नेचुरल कलर रहता है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ग्रीन कलर. ओ वाओ, हरा के हरा. हाँ. ओके ठीक है, आपका तड़का लग रहा है ना. हाँ. और ये इसमें जीरा डाला और ये अदरक लहसुन कट करके डाला है. ओके ठीक है. She was feeling so shy to shoot this video, but trust me, आप इतना अच्छा कर रहे हो. Please people encourage her to start her own blog. आप है ना वो रणवीर ब्रार और who's the other guy she follows? कुणाल संजोत कीर, रणवीर ब्रार, उनको आप टक्कर दे दोगे. चलो चालू करो अभी आप ब्लॉग. ये थोड़े ब्राउन हो तो उसके बाद राइट, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमको. ओके. और ऑनियन, वन ऑनियन. ओके. एक ऑनियन मेक, मतलब मैं चार लोगों के लिए पालक पनीर बना रही हूँ, एक ऑनियन उसमें बहुत हो जाता है. और अनियन का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ना आंटी? हाँ, वो बड़ा. बड़े साइज का, छोटे साइज का, मीडियम साइज का तो वो ले सकते हैं? नहीं, मीडियम चलेगा, सब कुछ नहीं है. ये हो गए बड़ी कटे हुए प्याज. आपने इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा नहीं लिया, लगता है कुछ ज्यादा सामान नहीं लगता है इसमें? नहीं, ज्यादा नहीं लगता है. उसमें ग्रीन मिर्ची डलती है, रेड मिर्ची आपको चाहिए तो उसके डालो. हाँ. और हल्का सा ये जब मसाला डालेंगे तब आपको बताते हैं. सो ममता आंटी इज माय बेस्ट फ्रेंड निकिताज मॉम. I have grown up with them since I was in the first standard and auntie and uncle have taken care of me like their own child. So like it's like after school, tuitions, ghar ka khana, nashta, sab kuch, everything. I've grown up in Santa Cruz area and I know the entire Santa Cruz area because I stayed in their house for all my school years. सो आई थिंक हमने आंटी की किचन बहुत खराब की है बचपन में भी. रात रात को मैगी उठ के बनाते थे. मैगी बहुत खाई है इन लोग ने, और बच्चे कांदा टमाटर वाली मैगी रात को उठ के बनाते थे. व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी वी यूज्ड टू गेट हंग्री इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वी यूज्ड टू वेक अप एंड मेक मैगी इन द किचन. ओह गॉड, क्या दिन थे.
मरीना का एक बहुत अच्छा किस्सा है। मरीना दही नहीं खाती है। एक दिन उसको मैंने दही वाली कढ़ी बना के खिलाई, पकौड़ा कढ़ी, और उसको मालूम नहीं था कि उसमें दही डलता है, और वो अच्छे टेस्ट से खा गई। बाद में उसे मालूम चला उसके अंदर दही है। Yeah, I used to hate dahi. So whenever auntie used to tell me go and bring dahi from the fridge or anything, and I used to be like, I used to make all those dirty faces. I used to be like, why? How can people eat dahi? And she made me eat dahi curry that time. वो खा गई इतने मजे से, टेस्ट उसको मालूम नहीं था उसमें दही है, और उसने खाया अच्छे से। फिर बाद में उसके मम्मा ने बताया कि उसमें तो दही थी। ओ दही, अब वो दही अच्छे से खाती है और छाछ भी पीती है वो। यस, अभी मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ। तो प्याज को इतना ब्राउन करना है, ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है हमको, मतलब उसके अंदर सौते हो जाना चाहिए अच्छे से घी में, और उसके बाद टमाटर डालना है। पालक जितनी है उसके हिसाब से आप बना सकते हो, और आपके ऊपर डिपेंड है। गैस को स्लो करके आप उसको उसके अंदर मसाले, और पालक में नमक डाला है तो नमक उसके हिसाब से आप डालो। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि पालक उसका नमक और छोड़ती है, ये रिलीज करती है नमक होता है उसमें। मुझे मम्मी लोगों से ये सब सीखना बहुत पसंद है, लाइक ऑल द साइंस बिहाइंड कुकिंग, लाइक पालक नमक छोड़ती है एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो। आई मीन आई लव टू कुक, बट हु कैन गिव यू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ कुकिंग, यू नो। दे हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे जस्ट हेल्प मी विद ऑल दीज टिप्स, सो आई ऑलवेज कॉल देम। ट्रस्ट मी, आई लव कुकिंग ओनली बिकॉज ऑफ all the encouragement that I've got from my mom, Mamta aunty, and all other women in my family. Dhaniya powder, 1.5 spoon. थोड़ा सा लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची डाला है हमने, और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्ची डालना है। पालक पनीर में पालक आप फ्राई कर सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगता है फ्राई किया हुआ तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्राई किया हुआ। तो डीप फ्राई करते हैं पनीर? नहीं, नॉर्मल हल्का सा सौते करके डाल सकते हो आप उसको। हल्दी पाउडर डाला आपने आंटी? नहीं, हल्दी पाउडर ग्रीन है ना, तो उसमें हल्दी पाउडर का कलर से वो उसका थोड़ा कलर हो जाता है, तो ग्रीन को ग्रीन ही रहने देना, ज्यादा अच्छा लगता है। Wow, see again another tip. Like I used to make पालक पनीर, I used to add हल्दी। मैंने हल्दी डाला है बहुत बार, और उसका वो ग्रीनिश मैंने नोटिस किया थोड़ा सा ब्राउन होते हुए, राइट। मसाला तैयार हो चुका है, देखिए उसका घी रिलीज हो रहा है। घी रिलीज होने के बाद हम उसमें ये डाल रहे हैं, थोड़ा दूध डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास इधर क्रीम वगैरह नहीं है। क्रीम डालेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा उसमें मिल्क डाल रही हूँ, फुल फैट क्रीम दूध। तो फुल फैट क्रीम सब्स्टिट्यूट हो जाता है फ्रेश क्रीम के लिए, बन जाता है उसमें? हाँ, अच्छा बनता है। कलर देखना उसका, अब देखो क्रीमी कलर आ गया है। पालक क्रीमी और सॉफ्ट होनी चाहिए एकदम। ओके, सीधी कलर पालक ग्रीन कलर। आंटी आपको याद है हम आपके यहाँ पे डिनर में फ्रैंकी चाट दाबेली खाया करते थे? Yes, मैं अभी भी बनाती हूँ। हाँ, जब तू इंडिया आएगी ना तब मैं तेरे लिए वही बनाने वाली। Yes, yes, like yes, yes. Yeah, I love it. I mean, she takes all the effort to prepare the चटनी, the रगड़ा, सब कुछ घर पे, यहाँ तक कि पानी पूरी भी घर पे वो पूरी खुद घर पे, यू नो, तल के बनाती है, राइट? ओह माय गॉड। And guys, you know, specially for my husband, she's made naan katais of ragi. It's very healthy and it is so yummy and tasty. I think where it is. Oh God, Stanley, you finished it almost. Auntie, आपके जाने के पहले खत्म हो गई ये. So these are so tasty. Look at these. कि रागी और आंटी रागी और क्या? योगर्ट, आटा, घी. Okay. Sugar. Oh, lovely. But it's very tasty. And Stanley has almost finished everything. It was box full of this naan katais.
वेरी गुड। अभी तो मैं खा लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है दिखाते दिखाते। मेरे को दे। सारा तुझे नहीं मिलेगा। It's so good. It just melts in the mouth. देखो ये ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर पालक में बहुत सुंदर लगता है। ये ग्रीन कलर के लिए आपको हल्दी पर ऐसा कुछ ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं उसमें, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है उतने ही डालने हैं। ये पनीर के पीस किए हुए हैं, पीसेस आप डालो उसमें आपको। रियाना तो पागल हो गई आपका पनीर खा के। या सो आंटी मेड पनीर, पनीर इज वन वेरी सिंपल रेसिपी शी टॉट मी एज वेल फॉर रियाना ऑन द फर्स्ट डे दैट शी केम। एंड रियाना हैज बीन आस्किंग द एंटायर वीक, आई वांट ममता नानी पनीर एंड चपाती। शी डजंट इवन वांट राइस, शी वांट्स द पनीर एंड चपाती। एंड शी इज नेम्ड द हां एंड द नेम द पनीर नानी। मैं पनीर नानी बन गई हूँ अभी। पनीर नानी। आंटी आपने लोखंड की कढ़ाई में बनाई अभी, तो उसको निकालोगे? इसमें हाँ, टमाटर का खटास रहता है ना, उसमें से निकाल के आप बाउल में किसी में भी रख सकते हो, उसमें दूसरी कढ़ाई में इसमें रख दो, क्योंकि आयन है, आयन उसका अंदर बनाया, आयन दोनों आयन है तो बनाया उसमें ठीक है, मगर बाद में उसमें से निकाल दो। नमक ठीक है, सब ठीक है उसमें? नमक हल्का सा कम लग रहा है, हल्का सा। मिर्ची परफेक्ट है और वो अनियन टमाटो जो अच्छे से गले हुए हैं उनका टेस्ट पालक के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। डैम गुड, आई कांट वेट टू ईट। हे फ्रेंड्स, डू लेट अस नो हाउ यू लाइक दिस रेसिपी। It's made by my favorite Mamta, Mamta auntie. I was kind of calling her Mamta Nani because of Rihanna, but it's made by my favorite Mamta auntie. And yes, her tips are always very helpful. So guys, please do encourage her also to start her own blog, which I'm trying to tell her. She was so confident while doing the entire shoot. Yes guys, please share some love with this video, share it with your friends, and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you, Marina. Thank you, Ali.